जब भी निफ्टी और बैंक निफ्टी सिमिलर सिचुएशन में हो तो एक तरीके का डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिल सकता है और उस समय आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं ऑप्शन बाइंग में। अभी तक देखिए कई दिन से चल रहा था डिस्क्रिपेंसी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, निफ्टी ऑल टाइम हाई के नजदीक कंसोलिडेट करता जा रहा था, बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर आ रहा था लेकिन ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर था। आज हम देखते हैं निफ्टी ऑल टाइम हाई के लगभग ही कंसोलिडेट कर गया है और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो ऑल टाइम हाई टच करके फिर कंसोलिडेट कर गया है, दोनों एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे आके बैठ गए हैं। निफ्टी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके बहुत ऊपर नहीं निकल पाया लेकिन बैंक निफ्टी ब्रेक किया, ऑल टाइम हाई पे गया, कंसोलिडेट किया, तो पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो है कि मार्केट में दोनों एक डायरेक्शन में आप कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको दोनों में ही अच्छे ट्रेड मिलेंगे और दोनों साथ में सिंक में चलते हैं तो आपको अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। एक और बात समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं यह आई थिंक 18 जून को यह सिचुएशन हो चुकी है और यह बार बार मार्केट में होता है, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि अगर कहीं कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ब्रेकआउट करके ओपन होता है ऊपर और उसके बाद ब्रेकआउट ओपन होने के बाद मार्केट किसी एक डायरेक्शन में नहीं निकलता है बल्कि क्या करता है, कंसोलिडेट कर जाता है, फंस जाता है। ऐसा तब होता है जब बहुत सारे लोगों की आंखें लगी होती हैं कि मार्केट ब्रेकआउट के लेवल पे, जैसे देखिए यहां बहुत दिन तक दो तीन दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, सबको पता है कि यहां ब्रेकआउट का सिनेरियो बन सकता है मार्केट में। अब मार्केट ब्रेकआउट जब होता है तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है प्रॉफिट बुकिंग होगी तो नीचे की तरफ ट्रेड ले लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में सबको लगता है कि मार्केट में एक डायरेक्शनल मोमेंटम तो आएगा और ऐसी सिचुएशन में मार्केट बेवकूफ बनाने के लिए साइडवेज हो जाता है, ये बार बार करता है मार्केट। लेकिन एक दिन तो साइडवेज हो गया लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी सिचुएशन जब भी बने कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट ओपन ऊपर हो रहा है और उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है तो मार्केट अपना टाइम ले रहा होता है और टाइम लेने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं डायरेक्शनल मोमेंटम अच्छा देता है। और मैं जहां तक देख रहा हूं कि कई बार से क्या हो रहा है कि मार्केट जब ब्रेकआउट कर रहा है तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके ऊपर जा रहा है तो चांसेस ये है कि फिर से यही रिपीट हो सकता है, लेकिन हमें दोनों तरफ अच्छे ट्रेड मिलने के चांसेस बन जाते हैं क्योंकि मार्केट यहां कर गया है कंसोलिडेट। तो हमें ट्रेड लेना कैसे, आप समझिए, यहां ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट सस्टेन किया है, अब अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों निकलते हैं तो बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। अगर मार्केट जहां क्लोजिंग दिया है, निफ्टी जहां क्लोजिंग दिया है वहीं ओपन होता है और 24,300 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, 5 मिनट की कैंडल बनाता है, 5 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं फुल क्वांटिटी में, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट को सस्टेन किया गया, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट को ऊपर निकल जाना चाहिए। हो सकता है कि आपको ट्रैप करने के लिए मार्केट फिर नीचे आ ही जाए और इसी रेंज में कंसोलिडेट करके फिर निकले, लेकिन मानना मेरा यही है कि अभी चांसेस ये हैं कि मार्केट कंसोलिडेट किया और बैंक निफ्टी भी अच्छे लेवल पर कंसोलिडेट किया है तो अगर निकलेगा तो अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर 24,300 को ब्रेक करता है मार्केट फ्लैट खुलने के बाद या थोड़ा सा गैप डाउन खुलने के बाद तो हम ऊपर की तरफ फुल क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट इसी रेंज में खुलता है और यहां से रिजेक्शन लेके फिर इसी रेंज में घूमने लगता है तो ये रेंज आप बना लीजिए, नो ट्रेडिंग जोन, आपका 24,300 से लेकर 24,200 नो ट्रेडिंग जोन ही बना रहेगा, इसमें आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है निफ्टी में क्योंकि यहां पे कंसोलिडेट किया है मार्केट, हो सकता है थोड़ा और साइडवेज होकर फिर एक डायरेक्शनल मोमेंटम दिखाए। अगर ऑप्शन बायर है तो आपको एक डायरेक्शनल मोमेंटम आप कैच करने की कोशिश करना है और ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मार्केट निकलेगा तो अच्छा निकल सकता है। अब और समझ लीजिए, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है नीचे जाता है तो हमें ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा नो ट्रेडिंग जोन है, मार्केट नीचे जाता है 24,200 को जब क्रॉस करता है, बात को समझिए, यहां पे बायर्स अक्यूमुलेट हुए हैं ऊपर ले जाने के लिए मार्केट को। अगर मार्केट यहां खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है, मतलब ये जो अक्यूमुलेशन हुआ है वो फेल होता हुआ दिखता है और मार्केट 24,200 के नीचे निकलता है तो आपका दिमाग ये कहेगा कि मार्केट नीचे की तरफ निकल रहा है, ट्रेड ले लो नीचे की तरफ क्योंकि एक डायरेक्शनल मोमेंटम आने वाला है। लेकिन इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि बायर्स कभी कभी क्या करते हैं, नीचे आके लोगों का स्टॉप लॉस खाते हैं और उसके बाद ऊपर निकलते हैं, मतलब लिक्विडिटी यहां लेते हैं, अच्छे लेवल्स को प्राप्त करते हैं और फिर तेजी से निकलते हैं। तो आपको यहां पे थोड़ा सतर्क रहना है, कॉशियस रहना है कि मार्केट यहां पे जब 15 मिनट की कैंडल लो को ब्रेक करे, 24,200 के नीचे 15 मिनट की रेड कलर की कैंडल बनाए और उसके लो के नीचे निकले तो ही हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, क्योंकि मैं कई दिन से बोलता आ रहा हूं निफ्टी इज बुलिश, बैंक निफ्टी इज ऑल्सो गोइंग बुलिश, तो इस सिचुएशन में बार बार नीचे की तरफ ट्रेड लेना घातक हो सकता है, आपका ही लॉस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको हर डायरेक्शन में ट्रेड लेना ही हो। तो अगर मार्केट नीचे आता है, 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होता है तो ही हम नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, वो भी क्वांटिटी में ही लीजिएगा क्योंकि मार्केट थोड़ा थोड़ा यहां पे, मैं कह रहा हूं कि बार बार यहां पे क्या है, सपोर्ट्स हैं,
कहीं इस सपोर्ट से घूम सकता है, इस सपोर्ट से घूम सकता है, इस सपोर्ट से घूम सकता है, तो मार्केट किसी भी सपोर्ट को इंपॉर्टेंस देके घूम सकता है। वो कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन यहां पे चांसेस ये हैं कि मार्केट स्लो एंड स्टेडी नीचे गिरेगा और उसके साथ साथ सपोर्ट ले लेके गिरने की कोशिश करेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन का प्रीमियम भी डिग्रेड होता रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड लेना, छोटा ही टारगेट रखना है, 1:1.5 या 1:2 का मैक्सिमम टारगेट रखने की कोशिश कीजिए अगर मार्केट नीचे निकलता है तो, और 15 मिनट के कैंडल का लो ब्रेक होता है तो ही हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। देखिए सिचुएशन अच्छी तब हो जाएगी, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाएगी जब मार्केट खुलेगा गैप अप। अब देखिए अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो सिचुएशन बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। कैसे कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल तरीके में मार्केट यहां आएगा 24,300 से सपोर्ट लेगा और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो यहां जो अक्यूमुलेशन हुआ है बायर्स का उनको दिखेगा प्रॉफिट। और अगर ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स इसमें बैठे हुए हैं और इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको लगता है कि बहुत अच्छा लेवल है तो मार्केट ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे गिरने लगेगा, और अगर इंस्टीट्यूशंस अपने पोजीशन को सेल करने लगे, स्क्वायर ऑफ करने लगे, तो मार्केट फिर तेजी से गिर भी सकता है आपके इसी रेंज में। ये जो पिछला 24,200 के नीचे का रेंज है उसमें भी आ सकता है। तो हमें इस चीज की तैयारी रखनी है कि अगर मार्केट ऊपर खुलता है और नीचे आने की कोशिश करता है तो हमें देखना यह है कि ये 24,275 के के लगभग मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है, मतलब 24,300 के ऊपर फिर से एंट्री कर रहा है क्या। अगर मार्केट ऊपर खुलता है और नीचे आता है तो हमें देखना है 24,275 को के लेवल पे आके कंसोलिडेट करके 24,300 को क्रॉस कर रहा है, तो मतलब यह है कि यहां तक तो प्रॉफिट बुकिंग हुई। बहुत लोगों ने सोचा कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कुछ लोग सेलर्स एड भी हुए, लेकिन अगर यहां कंसोलिडेट करने लगा मतलब बायर्स आने लगे और बायर्स फिर से इस लेवल को ब्रेक करते हैं इंट्राडे लेवल में, फिर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा। तो इस चीज के लिए तैयार रहिए। अगर मार्केट नीचे आके 24,300 क्रॉस करता है फिर से तो फुल क्वांटिटी में ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है, लेकिन अगर मार्केट यहां आता है 24,275 के लगभग, आप देखते हैं कि यहां बायर्स ऐड होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन 24,300 को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं बल्कि और नीचे गिर रहे हैं, 24,250 के लगभग आ रहे हैं और बड़ी यहां रेड कलर की कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन रही है, तो याद रखिएगा मार्केट यहां कंसोलिडेट करके गिरेगा, 24,200 पे गिरेगा, और अगर 24,200 तक आ ही गया तो चांसेस ये हैं कि सेलर्स फिर और नीचे गिरा देंगे, इस ब्रेकआउट को फेल करने का चांसेस लेने लगेंगे, यहां पे सेलर्स ऐड होने लगेंगे। तो ये सिचुएशन को के लिए तैयार रहिए कि अगर मार्केट ऊपर खुलता है, यहां आता है, फिर रिजेक्शन लेके ऊपर जाता है तो फुल क्वांटिटी में ऊपर की तरफ ट्रेड, और यहां कंसोलिडेट करके नीचे गिरता है तो फुल क्वांटिटी में नीचे की तरफ ट्रेड, क्योंकि फिर मार्केट हो सकता है बहुत तेजी से 24,200 के नीचे आने की कोशिश करे, आपको अच्छा ट्रेड मिल जाए उल्टे डायरेक्शन में। तो इस चीज के लिए भी आपको तैयार रहना है। उसके साथ साथ अगर मार्केट ऊपर खुलता है और पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो ही हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे और उस ट्रेड में बहुत देर तक होल्ड करके बैठेंगे, क्योंकि यहां पे देखिए मार्केट ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर खुल रहा है, मतलब ओवरनाइट पोजीशन भी अच्छी है, ओवरनाइट पोजीशन अच्छी होने के बावजूद, मार्केट ब्रेकआउट करने के बावजूद, अच्छा लेवल मिलने के बावजूद कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा है, मतलब कोई ग्रीन कलर की कैंडल वाले अपने पोजीशन को क्लोज नहीं कर रहे, तभी नहीं करेंगे जब उन्हें लगेगा मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो यहां पे अगर ग्रीन कलर की कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बनती है और उसका कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ ट्रेड ले लीजिएगा और उस ट्रेड को होल्ड करके बैठिएगा, एंटायर डे मार्केट एक डायरेक्शन में अच्छा मोमेंटम दे सकता है। सो गाइस ये हो गया निफ्टी की एनालिसिस, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी अच्छी सिचुएशन बनी हुई है, देखिए ऊपर खुला मार्केट ऊपर खुला, पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक किया और बिल्कुल अच्छा मोमेंटम, एक डायरेक्शनल फ्लो, यहां पे पूरे दिन का जो फ्लो था वो एक ही ट्रेड में आपको मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आगे मिलने के चांसेस निफ्टी में ज्यादा है। देखिए जैसे मैं कहता हूं कि एक साइकिल पे चलता है मार्केट, यहां पे हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, निफ्टी एंटायरली साइडवेज क्लोजिंग दिया, तो निफ्टी में अच्छा मोमेंटम आ सकता है। हालांकि अगर निफ्टी में मोमेंटम आएगा तो बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम आएगा, ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी में मोमेंटम नहीं आएगा, क्योंकि कंसोलिडेट करके क्लोजिंग दिया है, तो मतलब मार्केट में एक अप ट्रेंड अभी बचा हुआ है। नीचे आता है तो नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, लेकिन अभी ऊपर की तरफ हम सोच रहे हैं कि जाने के चांसेस ज्यादा रखते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, कंसोलिडेट किया है। तो अगर वही बात हो जाती है जैसे निफ्टी में हमने बात किया, फ्लैट खुलता है, मार्केट 53,200 क्रॉस करता है तो ऊपर की तरफ फुल क्वांटिटी में ट्रेड, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे आने की कोशिश करता है तो हमें वेट करना होगा, 52,900 को क्रॉस करने दीजिए, रेड कलर की कैंडल बनाने दीजिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इस लेवल को अगर ब्रेक करता है मार्केट तो नीचे की तरफ हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लीजिए। हाफ क्वांटिटी में इसलिए क्योंकि अभी हम बुलिश हैं, मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है, इसमें रिवर्सल के ट्रेड अभी हमें मिले ना मिले हमें जिम्मेदारी पता नहीं है, तो हमें नीचे की तरफ हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो हमें ये देखना होगा कि मार्केट क्या कर रहा है, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है और ऊपर आने की कोशिश कर रहा है तो हम देखेंगे 52
52,900 के ऊपर फिर निकल रहा है क्या? अगर 52,900 के ऊपर निकल रहा है तो फुल क्वांटिटी में ऊपर की तरफ ट्रेड दिया जा सकता है, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि मार्केट में जो लोग बाई करके रखे हैं वो इतनी जल्दी लॉस नहीं लेते हैं, तो ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है। और अगर मार्केट बहुत नीचे खुलता है, पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो भी हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट नीचे खुलता है, नीचे ही निकलने की कोशिश करने लगता है, मतलब पैनिक सेलिंग हो रही है, मार्केट नीचे खुलता है नीचे ही निकलने की कोशिश करता है, जो आज का ये बॉडी का लो है, मतलब 52,600 के लगभग का लेवल जो है, अगर 52,600 का लेवल किसी भी कारणवश टूटता है कल, तो मान के चलिए मार्केट बहुत तेजी से गिर जाएगा, क्योंकि बार बार हो चुका है मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है फेल हो जाता है, कई बार होता है ऐसा। और इतने अच्छे ब्रेकआउट को सस्टेन करने के बाद ऑल टाइम हाई से अगर मार्केट रिजेक्शन लेगा और नीचे आके क्लोजिंग देगा, और नीचे आके क्लोजिंग होने के बावजूद मार्केट फिर सस्टेन नहीं करेगा, बायर्स ऊपर नहीं चढ़ा पाएंगे, ये लोग लॉस लेने लगेंगे, तो मार्केट फिर तेजी से गिर जाएगा। तो आपको देखना यह है कि 52,600 के नीचे अगर मार्केट जाने लगता है तो तुरंत फुल क्वांटिटी में नीचे की तरफ ट्रेड ले लीजिएगा। ऊपर की तरफ सिनेरियो वही बनता है जो निफ्टी में हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर मार्केट बहुत ऊपर खुलता है और 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होता है, ऊपर की तरफ ट्रेड लीजिए और फुल क्वांटिटी में लेके बैठे रहिए, होल्ड किए रहिए, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। और अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है तो हमें यह देखना है कि इस लेवल 53,100 का लेवल मार्क कर लीजिए, 53,100 के लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेके अगर ऊपर जाता है और 53,200 क्रॉस करता है तो फुल क्वांटिटी में ऊपर की तरफ ट्रेड, और अगर मार्केट यहां पे आता है 53,100 के नीचे निकलने की कोशिश करता है तो हाफ क्वांटिटी में नीचे की तरफ ट्रेड ले लीजिएगा। और अगर 52,000 वही फ्लो में गिरते हुए 52,900 को भी क्रॉस करता है मार्केट, तो हम और नीचे की तरफ फुल क्वांटिटी में ट्रेड ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फिर मार्केट रुकेगा नहीं और नीचे चला ही जाएगा। सो गाइज, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो, अगर सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट्स में क्लियर कर दूंगा। थैंक यू गाइज़।